तो क्वेश्चन ये था कि आपसे पूछा गया था कि जो माइक्रो पाइलर एंड है, बल्कि पोलर निकुलियाई के बारे में क्वेश्चन था। क्वेश्चन था कि ये जो पोलर निकुलियाई हैं ये कहाँ लोकेटेड होता है, एक एपरेटस के बिलो होते हैं, एबव होते हैं, या फिर एंटीपोडल के बिलो होते हैं। तो इसके लिए एक सिंपल सा सवाल है कि अगर हम इस डायग्राम को देखें एनसीईआरटी के, तो पोलर निकुलियाई मेंशन ये रहे और ये हमारा एक एपरेटस है। तो एज पर द डायग्राम पोलर निकुलियाई एक एपरेटस के ऊपर हैं, बिल्कुल करेक्ट ऊपर हैं। बट इस चीज़ को रियलाइज़ करने के लिए आपको एक बार को और समझना होगा, जो कि यहाँ एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया है, वो ये है कि ये जो ओव्यूल है, ये ओव्यूल जो है, ये ओव्यूल का एग्जैक्ट पोजीशन कैसे होता है, इसको समझने की ज़रूरत है। और इसको समझने के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें समझनी होगी वो ये है कि लेट सपोज दिस इज़ द ओव्यूल, ओके। अगर ये ओव्यूल है तो माइक्रोपाइलर एंड कहाँ है? माइक्रोपाइलर एंड कुछ इस तरीके से है भाई, ये समझ है, इस तरीके से है माइक्रोपाइलर एंड। तो माइक्रोपाइलर एंड यहाँ है, चलाजा यहाँ है, और अगर आप अब इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करें तो आपका एक एपरेटस यहाँ हुआ, आपकी पोलर बॉडी यहाँ हुई, और आपका सिनर्जिड एंटीपोडल जो के यहाँ हो गया। तो समझने वाली बात यह है कि अगर ये एक्चुअल ओरिएंटेशन है तो इस हिसाब से पोलर निकुलियाई आर जस्ट बिलो दिए गए एपरेटस। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई है कि एक्चुअल ओरिएंटेशन के हिसाब से हम ये कहते हैं कि माइक्रो पाइलर के नीचे होते हैं पोलर निकुलियाई, बट ये जो डायग्राम दे रखा है ये एक्चुअल डायग्राम नहीं है, ठीक है। तो आई होप दोबारा ऐसी आपको कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है, चलिए।